जिनको लोअर बैक के इश्यूज होते हैं, बैक एक होता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाली एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु त्यागी और आज हम करने वाले हैं बैक का वर्कआउट। तो बैक के वर्कआउट से पहले मैंने अच्छे से अपनी प्री वर्कआउट में ले ली है, ओट्स एंड एग वाइट्स, या आप कोई भी प्रोटीन और कार्ब्स का सोर्स ले सकते हैं वर्कआउट से पहले। बैक के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैक और लेग्स का वर्कआउट ऐसा होता है जिसमें आपको अच्छे से कार्ब लोड करने पड़ते हैं, बिकॉज थोड़ा इंटेंस वर्कआउट हो जाता है। वार्म अप खत्म होने के बाद अब हम करेंगे शुरू बैक का वर्कआउट। बैक के वर्कआउट में वेरिएशन और पोस्चर मैं आपको बताता हूँ। तो आज हम करेंगे 8 एक्सरसाइज बैक के वर्कआउट के लिए। फर्स्ट है हमारी सीटेड रोइंग, इसलिए मैं इसको अलग से बेंच पे और क्रॉस केबल मशीन पर कर रहा हूँ, सो दैट इसमें लैट्स को स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वैसे भी वर्कआउट के बीच में आप स्ट्रेचिंग करते रहें, जितने आपके लैट्स स्ट्रेच होंगे अपर बैक उतनी ही ब्रॉड होगी और थिक होगी। तो करते हैं, लेट्स गो। तो टोटल हम 4 सेट करेंगे जिसमें रैप रेंज होगी 12 से 15। उसके बाद आप अगर वेट बढ़ा रहे हैं तो लास्ट जो सेट होगा 8-10 रेपिटेशन के आसपास रहेगा, या उससे ज़्यादा भी लगा तो ठीक है, बट आपको वेट उतना लेना है कि आपके 8-10 भी बहुत मुश्किल से लगें। आई मीन पहला सेट आपका वर्किंग सेट नहीं होगा, वो जस्ट एक वार्म अप सेट होगा जिससे आपको वेट का पता चल जाए कि आपको फर्स्ट वर्किंग सेट कितने वेट से करना है। तो ये जस्ट वार्म अप था। तो अब हम करेंगे अपना पहला वर्किंग सेट। प्लेट ख़त्म हो गई है, इसके बाद वेट लगा नहीं सकते, तो इसमें मैं क्या करूँगा, रिपीटेशन थोड़े से कोशिश करूँगा कि ज़्यादा करूँ। एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। मैं हर बार बोलता हूँ कि पानी वानी पीते रहा करो, डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो दिन का आप एक टारगेट बना लो कि 5-6 लीटर आपको डेली वाटर पीना ही पीना है, नो मैटर वॉट। करते हैं सेकेंड वेरिएशन, सेकेंड एक्सरसाइज बैक के वर्कआउट की, लेट पुल डाउन। इसके भी करेंगे हम 4 सेट्स जिसमें रैप रेंज रखेंगे वही 12 से 15। पहला 12 से 15, दूसरा 12 हो सकता है, थर्ड 10 हो सकता है, और लास्ट 8-10। इसके बीच में आपको रखना है क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी वॉल्यूम पे ध्यान देना है, अभी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मसल ग्रो करनी है। हमेशा ऑफ सीजन में ही मसल्स को ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इसमें अच्छे से आपका न्यूट्रिशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, डाइट आप अच्छे से ले सकते हैं, कार्ब आप अच्छे से लोड कर सकते हैं। तो इन ऑफ सीजन में हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यही टाइम है ग्रो करने का। मार्शल, तो वैसे आपको मिलवाता हूँ मार्शल से, क्या करना है, चलो ट्रेडमिल पे, चलो देख रहे हो ट्रेडमिल, मार्शल बहुत प्यारा बच्चा है, इधर आओ, क्या करना है, चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, लास्ट सेट के बाद मिलते हैं। तो अभी हम करने वाले लास्ट सेट लेट पुल डाउन का, तो उसमें वेट इंक्रीज़ करें, जैसा अभी बताया आपको स्टार्टिंग में कि हर एक सेट के बाद आपको वेट इंक्रीज़ करना है। तो लास्ट जो हम सेट करेंगे उसमें रैप रेंज 8-10 रहेगी, बट वो 6 के बाद आपका फेलियर होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कर रखें,
जितना वेट मैं मार रहा हूँ उतना नहीं मारना है, वेट के पीछे नहीं भागना है, पोस्चर शुड बी करेक्ट और जो मेथड्स हैं वो सेम होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आर थर्ड वेरिएशन ऑफ आर बैक वर्कआउट, जिसमें हम करेंगे वन आर्म डंबल रो। इसमें दो मेथड होते हैं, आप इसको बेंच पे इस पोजीशन से भी कर सकते हैं लाइक दिस, और आप अगर कंफर्टेबल हैं तो आपको ज़्यादा बेंड होने में इशू आ रहा है तो आप ये हाथ ये वाली पोस्चर से भी कर सकते हैं, जिसमें आपका एक हाथ आगे रहेगा एंड दैट शुड बी एट 90 डिग्री और एक लेग्स आप आगे रखेंगे दूसरी पीछे देन इस पोजीशन से। तो मैं आपको एक एक वेरिएशन दोनों की करके दिखा देता हूँ सो दैट आप दोनों वेरिएशन ऑप्ट कर पाएँ और आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। इसमें ये बैंड होगा देन अदर लेग शुड बी स्ट्रेट, उसमें आप बैंड नहीं होंगे, नॉट लाइक दिस, आपको ऐसे नहीं होना है, स्ट्रेट रहना है। ये आपका लेग स्ट्रेट रहेगी तो रेंज ऑफ मोशन आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी और आपको इंजरी नहीं होगी। एंड योर लेफ्ट हैंड शुड बी एट दिस प्लेस लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5। एंड जो सेकंड आपको बताया मैंने, ये एक लेग आगे पीछे भी कर करके सकते हैं जैसे हम ये कर रहे हैं, और आप इसको चाहे तो सो इट्स अप टू यू। आपको तीनों वेरिएशन मैंने बता दिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, कोई भी एक ऑप्ट करके सिंगल आर्म रोइंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे रैक है डंबल रैक है वहाँ पे इजीली हो जाएगा, तो यहीं पर करते हैं अपना पहला वॉकिंग सेट। अब धीरे धीरे बैक पे लोड आने वाला है, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं तो फॉर अ सेफर साइड आप बेल्ट जरूर पहन लें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकंड सेट। 45 टू 60 सेकेंड्स का रेस्ट। तो लास्ट सेट हम करेंगे और ये थोड़ा टफ होना चाहिए। तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है बैक के वर्कआउट में स्ट्रेट आर्म पुल डाउन, जो हम करेंगे क्रॉस केबल मशीन पर। लेट्स गो। तो आप जब हैंड्स को पूरा स्ट्रेट रखेंगे और बैक में थोड़ा कर्व रखना है आपको, देन आउटर की तरफ नहीं, आपको अपने एब्डोमिनल की तरफ इसको मूव करना है, पुल करना है आई मीन, और आपका हेड जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं रहेगा और ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहेगा। जब आप ऊपर आएंगे तो आपको पूरे दोनों हैंड से स्ट्रेच करना है। इट मींस कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा मसल पे आएगा और उतनी ज़्यादा मसल एक्टिवेट होगी और आपकी मसल ग्रोथ होगी।
कंप्लीट हो गए हमारे 3 सेट, लास्ट का 3 सेट और है। तो फिफ्थ वेरिएशन है हमारे बैक के वर्कआउट की, सिंगल आर्म रोइंग, जो कर्म हम करेंगे केबल से। लेट पुट डाउन वाली मशीन पे भी कर सकते थे, बट हम क्रॉस पे केबल पे करेंगे। किसके लिए? रेंज ऑफ मोशन के लिए। तो कंप्लीट हो गई हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज बैक के वर्कआउट की। अब हम करेंगे सिक्स्थ और सेवन्थ वेरिएशन, जिसमें हम करेंगे बेंट ओवर, प्रोनेटेड ग्रिप के 3 सेट करेंगे और 3 सेट्स करेंगे सुपिनेटेड ग्रिप के। लेट्स गो। तीन जो सेट्स करेंगे हम करेंगे प्रोनेटेड ग्रिप से और 3 सेट्स करेंगे हम सुपिनेटेड से। थोड़ा रेस्ट लेते हैं और फिर करते हैं सुपिनेटेड ग्रिप से। सो दैट विल बी आर सेवेंथ एक्सरसाइज बैक के वर्कआउट की। तो गाइस, मुझे मार्शल को देख के एक चीज़ याद आई कि जो हमारे पेट्स होते हैं घर में, हम कोई भी पेट्स होते हैं, इधर आ जाओ, निकल निकल, तो हम इनकी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, क्योंकि मार्शल की डाइट भी बहुत स्ट्रिक्ट है। एक एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है कुछ भी खा ले, ये टिक्की या गोलगप्पे नहीं खा सकता। तो सेम गोज़ विद आर डे टू डे लाइफ, कि हम अपने पेट्स में, पेट्स का जिस तरीके से ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं उनकी, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का, छोटी सी छोटी मील्स का, तो हम अपने जब बारी अपनी आती है तो केयरलेस हो जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। तो हमें अपनी भी डाइट को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए और कंट्रोल रखना चाहिए, कुछ जंक फूड ना खाएं, डाइट पे अच्छे से फोकस रखें। बाकी मुझे मार्शल वर्कआउट नहीं करने देगा, मुझे लग नहीं रहा है करने देगा, इसका मन नहीं है, इसका खेलने का मन है। चलो सात वेरिएशन हो गई हमारे बैक के वर्कआउट की, थोड़ा 6 से 8 एक्सरसाइज, 8 थोड़ा टफ हो जाती है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्री वर्कआउट मील का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैक के वर्कआउट में थोड़ा इंटेंसिटी ज़्यादा लगती है और कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होती हैं। अभी हम करने वाले हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज बैक के वर्कआउट की, रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन, एंड उसके बाद लास्ट वर्कआउट फिनिशर है, वो भी आपको बताऊंगा। तो करते हैं रिवर्स ग्रिप लैट पुल डाउन।
स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट सेट लेट पुल डाउन का, रिवर्स ग्रिप लेट पुल डाउन का, और उसके बाद चलेंगे अपना वर्कआउट फिनिशर की तरफ। लेट्स गो। तो वर्कआउट फिनिशर जो हमारा होगा हाइपर एक्सटेंशन, जिसके हम करेंगे 3 से 4 सेट कर सकते हैं आप। रेप रेंज आप अपने अकॉर्डिंग रखो, चाहे 15 से 20 मिनिमम रखो, उसे मैक्सिमम कर सकते हो तो भी ठीक है। तो लास्ट वर्कआउट फिनिशर हो गया हमारा हाइपर एक्सटेंशन, जो कि बैक, जिनको बैक एक होता है या बैक की इंजरीज होती हैं उनके लिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये वाली वेरिएशन, लास्ट वर्कआउट जो हमने वर्कआउट फिनिशर किया है। तो इसी तरीके से हम अपने वर्कआउट को कंप्लीट करते हुए आज का जो है कार्यक्रम वो समाप्त करते हैं। और अपने वर्कआउट को डिफरेंट एंगल से हिट करने के लिए मैंने आपको एक नई टेक्निक बताई, जिससे आपके वर्कआउट में इम्पैक्ट पड़े। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहें, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको अपने गोल अचीव करने में हेल्प मिले, जैसे मुझे मिल रही है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।